नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़। दोस्तों, जे तुसी पंजाब पुलिस विच भर्ती होने की इच्छा रखते हो तो यह वीडियो ध्यान नाल समझो और वीडियो नू पूरा देखो। एंड जो मेरे वीर पंजाब पुलिस जेल वार्डर रिलेटड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने रिलेटड भी यह वीडियो काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाली है, करके एक बार इस वीडियो नू ध्यान नाल समझो और फिर अपनी राय कमेंट बॉक्स में मैं लिख दो। दोस्तों, हम आप गल कर लेने हैं कि सब इंस्पैक्टर कॉन्सटेबल और हैड कॉन्सटेबल की रिक्रूटमेंट की अनाउंसमेंट कदों होगी। कुछ दिन पहला यह ट्वीट पंजाब DGP दिनकर गुप्ता द्वारा किया गया से, तो जिस विच लिखा हुआ है कि 3-4 वीक्स जो कोविड के जो सैकेंड वेव है वह कंट्रोल विच होगी, उस तो बाद 3-4 वीक के अंदर अंदर जी रिक्रूटमेंट की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। ओवरऑल अंदाजा लगाया जाए तो जून के लास्ट विच जी रिक्रूटमेंट की अनाउंसमेंट हो सकती है। दोस्तों, यह गल श्योर है कि जून के लास्ट विच यह रिक्रूटमेंट अनाउंसमेंट होगी जरूर, क्योंकि कैप्टन जी ने अपने तो वोटा लैनिया ने। हुण ओह तुहाडी मर्जी है, तुसीं वोट देनी है नहीं। बाकी 5 साल उन्होंने बेनीफिट लै लिया अपना, हुण जिहड़ा टाइम है अपना बेनीफिट लैण दा। चुपचाप जे भर्ती आउंदी आ फॉर्म फिल करो अते भर्ती नूं क्लीयर करो, पर वोट इस बंदे नूं नहीं देनी। उम्मीद है तुसीं मेरी इस गल नाल सहमत हो, जे सहमत हो वीडियो विच कमेंट जरूर करके दस दिओ। मैं दोस्तों एक गल तां होगी, पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट की अनाउंसमेंट कदों होवेगी तां तुहानूं अंदाजा लग गया होवेगा। हुण इस तों बाद सवाल दोस्तों यह उठदा है कि टोटल जिहड़ी रिक्रूटमेंट है उहनां विच किन्नी वैकेंसीज अवेलेबल होणगी। तां इह वी कुछ टाइम पहलां ऑफिशियल ट्वीट किया होया सी, 20 मार्च नूं ही ट्वीट आया सी, तां उस तों बाद डिले हुंदी रही इह पोस्ट। इस ऑफिशियल ट्वीट विच पंजाब DGP दिनकर गुप्ता ने यह अनाउंस किया होया कि 10,000 पुलिस रिक्रूटमेंट की अनाउंसमेंट होवेगी, जिस विच 33% जिहड़ी फीमेल्स वास्ते राखवियां होणगियां। यह 10,000 जिहड़ी पोस्टां होणगियां उन्हां विच सब इंस्पैक्टर, हैड कॉन्सटेबल अते कॉन्सटेबल दीआं पोस्टां इनकलूड होणगी। इस तो इलावा इन्हां वैकेंसीज विच डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड इन्वेस्टिगेशन इंटैलीजेंस एंड टैक्नीकल सपोर्ट रिलेटड जिहड़ी पोस्टां होंदियां उह भी इनकलूड कीती जाणगियां। हुण नीचे इन्हां ने मैंशन किया होया कि कौन कौन इन्हां पोस्टां नूं अप्लाई कर सकदे आ। सब तो पहलां इन्हां ने जिहड़ी एज लिमिट दसी है उह 18 तों 28 साल तक की एज लिमिट जनरल कैटेगरी वास्ते दसी गई है, एंड SC ST कैटेगरी नूं इस विच 5 सालों की छोट मिलेगी। एंड क्वालिफिकेशन की गल कर लिए, इस विच की मैंशन किया हुआ है, जे तुसी हैड कॉन्सटेबल सब इंस्पैक्टर की पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो तो तुसी ग्रैजुएशन पास होने चाहिए हो, जस्ट चाहे तुसी BA की है, BCOM की है, BSC की है, किसी भी स्ट्रीम में ग्रैजुएशन की है तो तुसी इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। जे तुसी कॉन्सटेबल की पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो तो 12वीं पास तुसी होने चाहिए हो, चाहे जिन्हें मर्जी परसेंटेज नाल तुसी पास हो, बस पास हो 12वीं विच तां इस पोस्ट नूं अप्लाई कर सकते हो। इस क्वालिफिकेशन दे नाल नाल 10वीं क्लास विच अपने कोल पंजाबी सब्जेक्ट होना लाजमी है। इस तों बाद दोस्तों नैक्सट पेज विच इन्हां ने जिहड़ा फिजिकल मेजूरमेंट का जिक्र इत्थे कीता होया, जिहड़े मेल्स ने उन्हां दी हाइट 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए है, हाँ मेल कैंडीडेट इस पोस्ट नूं अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल की गल करिए, 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए है जां इस तो उपर होनी चाहिए है, तो फीमेल कैंडीडेट इस पोस्ट वास्ते अप्लाई कर सकती है। एंड फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट की गल करिए, 1600 मीटर रेस जी मेल्स वास्ते है, 800 मीटर रेस जी वूमेन्स वास्ते है, दोनों में एक एक चांस मिलेगा। इस तों इलावा हाई जंप ते लोंग जंप भी है, जिस ते तुहानू 3-3 चांस मिलणगे। फिजिकल एफिशेंसी टेस्ट बाद की गल है, इस तों पहलां कॉन्सटेबल का, हैड कॉन्सटेबल का, सब इंस्पैक्टर का एग्जाम होगा एक। नीचे इन्होंने सिलेबस मैनशन किया हुआ है कि जनरल अवेयरनेस विच इनकलूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड भी मैं क्लासेज अपने चैनल से तुम्हें प्रोवाइड करा चुके हैं, जो नहीं देखी तो साढ़े चैनल में सबसक्राइब करके एक बार ये वीडियो जरूर देख लो। एंड पोलिटिक रिलेटेड भी मैं काफ़ी क्लासेज अपने चैनल से तुम्हें प्रोवाइड करवा चुके हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया एंड पंजाब ऑलरेडी काफ़ी क्लासेज मैं अपने चैनल से तुम्हें प्रोवाइड करवा चुके हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी अपनी क्लास ऑलरेडी चल रही है। कहने का भाव 40% सिलेबस जिहड़ा कि पंजाब पुलिस भर्ती विच आने वाला है वह मैं अपने चैनल पर तुहानू प्रोवाइड करवा चुके हैं। जे तुसीं भी अपनी तैयारी में परफेक्ट बनाना चाहते हो तो साडे चैनल में सबसक्राइब करके इन्हां वीडियोज़ में जरूर एक बार विजिट कर लियो। इस तों इलावा इंडियन इकनोमी का सिलेबस इत्थे इन्होंने मैनशन किया हुआ है, जियोग्राफी, एनवायरमेंट, कंप्यूटर अवेयरनेस रिलेटेड भी काफ़ी वीडियोज़ तुहानू मेरे चैनल पर मिल जाएगी, नैशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर ETC। यह तो इन्होंने जनरल अवेयरनेस का सिलेबस इतने मैनशन किया हुआ है। इस तो बाद गल करिए कि एप्टीट्यूड मैथामैटिक का सिलेबस भी इतने नीचे इन्होंने मैनशन किया है, न्यूमेरिकल स्किल्स विच इनकलूड फ्रैक्शन, रेशियो, परसेंटेज, इक्वेशन एंड ETC। ETC तो मतलब की होंगे दोस्तों कि सिर्फ इन्ना ही खत्म नहीं होंगे, इस तो बाद भी ऐड कर सकते हैं सिलेबस, तो करके सिर्फ यही ना माइंड में रखो कि यही सिलेबस होगा, थोड़ा इनकलूड भी हो सकता है, थोड़ा रिड्यूस भी हो सकता सिलेबस। उसके बाद इन्होंने रीजनिंग इंग्लिश के सिलेबस रिलेटड जानकारी इतने दी हुई है।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਬਰੀਫਲੀ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵਰ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ GK ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੁੱਕੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੋਟ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ, 12-1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਾਲਤੂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਐਮਾਜ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਔਡਰ ਕਰੋ, 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇਹ ਬੁੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਸ਼ ਔਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਲੀਜੀਬਲ ਯੈਸ ਲਿਖ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਉ। ਓਕੇ, ਕਰਤਾ ਕਮੈਂਟ, ਬਟ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਇਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ, 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਸਬਮਿਟ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਫੋਟੋ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 12th ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਓਰੀਜਨਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ SI ਜਾਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਯਾਨੀ ਹੈੱਡ ਕੋਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਲੱਸ ID ਪਰੂਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ SC OBC ਜਾਂ BC ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ EWS ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨ ਆ ਤਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜੋਬ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੋਂਸਟੇਬਲ ਜਾਂ ਹੈੱਡ ਕੋਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ। ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਦਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈੱਡ ਕੋਂਸਟੇਬਲ ਜਾਂ SI ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 100% ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਪੈਟਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।